हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ 12th की केमिस्ट्री। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक भी नहीं, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सॉलिड स्टेट जो है वो कवर हो चुका है और सीबीएसई ने अब की बार जितना कोर्स बच्चों को करवाया है उतना ही हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल नया अपडेट मिलेगा, बिल्कुल नया अपडेट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज, वो स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर टू सॉल्यूशन, और हिंदी में बात करें तो विलयन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने सॉल्यूशन, चैप्टर टू है ये और सॉल्यूशन। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। तो मैं बात करूं अगर सॉल्यूशन की, तो देखिए सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो अगर डेफिनेशन, पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी फिर एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, देन सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर एक जो टेक्निकल टर्म आया है वो आया है होमोजेनियस। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन यही है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड। हम बात करते हैं यहां पर होमोजेनियस क्या होता है। देखिए होमोजेनियस का मतलब होता है, मैं यहां पर आपको लिख के बताती हूं, होमोजेनियस का मतलब होता है इन वन फेज। मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन अगर हम दूर से देखें तो वो एक ही फेज में दिखे। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड दिखे, और अगर वो सपोज टू बी गैसियस स्टेट में है तो वो गैसियस दिखे, और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो सॉलिड स्टेट में दिखे। मतलब कि अगर मैं दूर से देखूं या फिर मैं अगर उस सॉल्यूशन के किसी भी स्तर को चेक करूं तो वो कैसा दिखे, हर जगह से एक समान, हर जगह से एक जैसा दिखे, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिसको दूर से देखने पर या फिर उसके हर लेवल को चेक करने पर वो एक जैसा दिखाई दे, हर जगह उसका फेज कैसा हो, सेम, हर जगह उसका फेज कैसा हो, और यहाँ पर वन था, फेज कैसा हो, वन फेज हो, यानी सेम फेज हो, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे ही दो या मोर देन टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, कैसे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलकर जो है सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लेंगे सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन जो है होता क्या है। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रही हूं। मैंने यहां पर ग्लास बना दिया है। मैं यहां पर क्या डाल रही हूं, शुगर डाल रही हूं, और मैं क्या डाल रही हूं यहां पे, मैंने पानी डाल दिया, मैंने यहां पर डाल दिया है पानी, और मैंने क्या डाला है, शुगर भी डाल दिया है, शुगर भी इसके अंदर है और क्या है, वाटर भी इसके अंदर है। ठीक है, तो शुगर और वाटर, जब वाटर शुगर के अंदर अच्छी तरीके से घुल जाएगी तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो इससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन जो बनेगा, इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, बेसिकली जो इससे सॉल्यूशन बनेगा उसे हम सॉल्यूशन ही बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब हम वाटर को शुगर में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, और वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। मैं आपको लिख के बताती हूं,
होमोजीनियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा ये? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर जब हम वाटर में शुगर को मिला रहे हैं तो शुगर अच्छी तरीके से उसके अंदर घुल गई, ठीक है, फिर आप उसको चाहे यहां से टेस्ट करो, चाहे तो आप इस लेवल से टेस्ट करो, चाहे आप इस लेवल से टेस्ट करो, चाहे आप फिर इस लेवल से टेस्ट करो, हर जगह जो स्वाद है वो सेम आएगा। हर जगह शुगर की घुलने की जो क्वांटिटी है वाटर में वो कैसी आएगी? सेम आएगी। तो इसे ही हम बोलते हैं इन वन फेज। क्या बोलते हैं? ये वन फेज में है, मतलब इसका अलग अलग नहीं दिख रहा है, ये कोई इम्प्योरिटी नहीं दिख रही है इससे, ये पूरा आपस में अच्छी तरीके से घुल चुके हैं और हमें क्या दिखाई दे रहा है? पूरा लिक्विड दिखाई दे रहा है, एक ही फेज में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। और बेसिकली जब वाटर को हम शुगर में मिलाते हैं तो भी ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। इसकी जगह हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर सॉल्ट भी ले सकते हैं। सॉल्ट जब घुलता है पानी में वो भी क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और उसके ऊपर होमोजीनियस सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे? इसे आप होमोजीनियस मिक्सचर भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन नहीं बोल के इसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे अपन बेसिकली। तो इसका टेक्निकल टर्म होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जिस भी लेवल से हम उसे चेक करें वो एक ही फेज में दिखाई दे। ठीक है, और दूसरा ये जो एग्जांपल है वो सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर होगा हमेशा, सॉल्यूशन है तो हमेशा लिक्विड ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी गैस, इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी लिक्विड। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ना। देखिए, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो अगर सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बन सकता है ये, अगर कोई सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बना है, कितने कंपोनेंट? टू कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन को शॉर्ट में वैसे भी लिख सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, मैं इसे पूरा ही लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं उसको? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कैसे कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना है फिर उसे हम क्या बोलेंगे? टर्नरी या टर्शरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट से मिलकर बना है तब तो बाइनरी है, और अगर थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना है तब टर्नरी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में चीजें हम। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है? मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए, उन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट, एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है, एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट, एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है, इसको आप ई कर लीजिए, सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट, एक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है बेसिकली? क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट? देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर और शुगर का, ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको वाटर और शुगर का। तो देखिए, जो वाटर था वो क्या था? सॉल्वेंट था, और जो शुगर था वो क्या था? सॉल्यूट था। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट? जिसकी अमाउंट या मात्रा ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जो क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर, यानी जो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, मात्रा जिसकी ज्यादा होती है, जिसकी अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट क्या होता है? कम होता है, जिसका अमाउंट क्या होता है?
कम होता है, जिसका अमाउंट क्या होता है लेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूट। ठीक है, बात समझ में आई। चलो मैं आपको दोबारा अच्छी तरीके से समझाती हूँ उसे अच्छे तरीके से। सिंपल सी बात है, जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, मान ली हमने बात। ठीक है, अब मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ। देखो मैंने आपको ये चीज, आपको मैंने एक डेफिनेशन बता दी कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है भाई मान लिया। जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, ये भी हमने मान लिया। लेकिन क्या हो अगर, कंडीशन दे रही हूं मैं आपको, क्या हो अगर, कंडीशन क्या है, अगर 60 ग्राम शुगर जो है, या 60% शुगर में बोलती हूं, 60% शुगर मिले 40% वाटर में, तो इस केस में क्या सॉल्यूट होगा और क्या सॉल्वेंट होगा, जरा सोच के बताएं। दिमाग घूम गया होगा ना, क्योंकि मैम ने तो अभी जो डेफिनेशन बताया है वो डेफिनेशन ये बताया है कि भाई अमाउंट जो कम होगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज्यादा होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन इस केस में जो है बात चेंज हो जाती है। अब आपको जरूरत है दूसरी डेफिनेशन जानने की, जो कि एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। आप छोटी क्लासेस में जब थी ना टेंथ तक, तो आप पढ़ते थे कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, बट अब आप हायर क्लासेस में आ चुके हो और यू आर इन क्लास 12th। ठीक है, अब क्लास 12th में हो तो डेफिनेशन थोड़ी मॉडिफाइड हो गई है। और वो डेफिनेशन क्या है कि हम सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो सॉल्यूशन बनने के बाद में, जो सॉल्यूशन बनने के बाद में अपना अस्तित्व, या मैं कहूं अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे। ठीक है, जो अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, या मैं बोलूं अपना फेज, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसियस हो, वो चेंज ना करे, अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे। चेंज क्या ना करे, चेंज ना करे, आइडेंटिटी चेंज ना करे आफ्टर बींग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद में जो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन बनने के बाद में जो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। आई होप अब आपके दिमाग की बत्ती खुल गई होगी, अब आप इसमें बता सकते हो कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। क्योंकि जब 40% वाटर में 60% शुगर घुलेगी तो सॉल्यूशन बनने के बाद में कौन अपनी आइडेंटिटी खोएगा, कौन खोएगा अपनी आइडेंटिटी, शुगर खो देगा। तो शुगर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और अपनी आइडेंटिटी कौन नहीं खोएगा, वो है वाटर, और इसे हम बोल देंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये है एकदम परफेक्ट डेफिनेशन, जो कि 12th में आपको बिल्कुल सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात सिंपल सी है, अगर सॉल्यूशन बनने के बाद में पर्टिकुलर सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करे, वो लिक्विड था तो लिक्विड ही रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर अपनी आइडेंटिटी वो लूज कर देता है, वो सॉलिड था और लिक्विड हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये होता है मेनली दो कंपोनेंट पाए जाते हैं सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, मेनली जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे बाइनरी सॉल्यूशन की, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, जिसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो गया होगा दिमाग में। तो अब हम चलते हैं आगे टाइप पढ़ने के लिए। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिकली हमने डेफिनेशन जान ली, ठीक है, हमने इसके एग्जाम्पल पढ़ लिया, ठीक है, हमने कंपोनेंट जान लिया कि भाई कंपोनेंट कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी जान लिया, ये भी जान लिया। अब हमें क्या जानना है, टाइप। अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप। टाइप किसके बेसिस पे, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टाइप। तो देखिए अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टाइप, तो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तीन टाइप के कौन से ही स्टेट होते हैं। तो देखिए फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैं इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूं,
टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ओके। पहला जो टाइप है वो है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन पहला टाइप है। दूसरा टाइप है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और जो तीसरा टाइप है वो है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेनली ये तीन टाइप है, मेनली ये तीन टाइप है, गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। गैसियस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जिसमें कि गैस ही गैस के अंदर घुलती हो। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी गैस जो है गैस के अंदर डिजोल्व हो जाए और क्या बना ले, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब कि गैस ही गैस में डिजोल्व हो जाए और बना ले सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कि कोई भी गैस लिक्विड सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाए, घुल जाए और क्या बना ले, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड लिक्विड या फिर गैस डिजोल्व हो जाए सॉलिड के अंदर इररेगुलरली कैसे भी और बना ले क्या, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको ये वर्बली बताया है, अब मैं आपको एकदम चार्ट बनाकर एकदम टेबल बनाकर इसे समझाऊंगी। क्योंकि अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करूं तो 9 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 9 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के। तो हम पढ़ेंगे अब इसे वन बाय वन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसे मैं चार्ट बना रही हूं। बेसिकली कितने टाइप का होता है, 9 टाइप का होता है। हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन पढ़ना, ठीक है। पहला क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इस कैटेगरी में आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। इस कैटेगरी में आएगा सॉल्वेंट, इस कैटेगरी में आ जाएगा सॉल्यूट और इस कैटेगरी में आ जाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन। पहले मैं पढ़ रही हूं गैसियस सॉल्यूशन का, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। सो मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट क्या होगा गैसियस सॉल्यूशन में, गैस, ठीक है। अब सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं। सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया, गैस और इसमें भी गैस, सॉल्वेंट गैस और इसमें भी गैस, ठीक है। तो ये अपने आप में तीन टाइप के हो गए, गैसियस सॉल्यूशन में अपने आप तीन टाइप के हो गए, ऐसे ही लिक्विड में तीन, सॉलिड में तीन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 टाइप के हो जाएंगे, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके कौन से हो सकते हैं, गैस इनटू गैस की, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एयर। क्या एग्जाम्पल है, एयर। आपको पता है कि एयर के अंदर बहुत सारे मिक्सचर गैसेस टाइप होते हैं, गैसेस के ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बहुत सारे टाइप ऑफ गैसेस होते हैं। तो देखिए एयर जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत सारे गैस के टाइप होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस ही होती है तो सॉल्यूट भी गैस ही होता है, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल, गैसेस गैस सॉल्वेंट हो और गैस ही सॉल्यूट हो, तो क्या एग्जाम्पल सबसे बेस्ट, एयर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जिसमें सॉल्यूट तो लिक्विड हो और सॉल्वेंट क्या हो, गैस, तो कौन सा अच्छा एग्जाम्पल है, वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर जो होता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका, वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर जो होती है एयर में, आप देखते होंगे पानी के बुलबुले, छोटे-छोटे जो मतलब बूंदी 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 हवाओं में कई बार होते हैं, उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, वाटर वेपर इन एयर।
तो वाटर वेपर एंड एयर में क्या हो गया, सॉल्यूट तो हो गए लिक्विड, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट ही होगा, वो होगा गैस। तो ये एग्जांपल हो गया वाटर वेपर इन एयर का। मैं बात करूं गैस सॉलिड, मतलब सॉल्यूट तो हो जाए सॉलिड और सॉल्वेंट हो जाए गैस, क्या एग्जांपल हो सकता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने घरों में होता है वो, जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड जो है गैस में चेंज हो जाती है, जैसे कि आपका कपूर, कपूर जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैम्फर, ठीक है, आई समझ में। सब्लिमेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और सॉलिड से गैस में क्या चेंज होता है, कैम्फर, कपूर जब हम घर में जलाते हैं तो जैसे ही जलता है सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाता है। वो भी क्या एग्जांपल है, गैसियस सॉल्यूशन का, जिसके अंदर सॉल्यूट तो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट क्या होता है गैस। सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है उसे हम कैसे स्टेट में बोल सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन बोल सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये हमारे गैसियस सॉल्यूशन तीनों टाइप हमारे कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। इसको मैं नहीं हटा रही हूं क्योंकि ये सब में सेम होगा। इधर लिक्विड, इधर लिक्विड और इधर भी लिक्विड, और इधर क्या आ गया, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो क्या होगा लिक्विड, सॉल्यूट क्या होगा, अलग अलग हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो मैंने इसके एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं और अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम जो है सॉल्यूट तो वो गैस, सॉल्वेंट वो लिक्विड, तो एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर जो वो आप जैसे ही उसमें सोडा मिलाते हैं वाटर के अंदर तो बुलबुले निकलते हैं, आपने देखा होगा। वो बुलबुले किस क्यों निकलते हैं, वो निकलते हैं CO2 गैस के कारण। किसके गैस के कारण, CO2 गैस के कारण। उसके अंदर CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, जिसके कारण जो है वो बुलबुले निकलते हैं। एकदम तेजी से आप देखते होंगे वो निकलते हैं बुलबुले जब भी हम वाटर के अंदर सोडा मिक्स करते हैं, ठीक है। तो जो सोडा वाटर होता है जिसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड होता है बट सॉल्यूट क्या होता है गैस, वो जो बुलबुले निकलते हैं वो CO2 के कारण निकलते हैं। इसलिए सोडा वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन विच सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अल्कोहल इन वाटर। जब लिक्विड और लिक्विड मतलब अल्कोहल जो है वाटर में आराम से मिल जाता है, मिसिसिबल है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल है किसी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन का जिसके अंदर सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। थर्ड टाइप की बात मैं करूं, सबसे इजी एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड हो, इसके अंदर सॉल्ट इन वाटर, जब वाटर सॉल्वेंट हो उसके अंदर हम सॉल्ट मिला दें तो वो भी एक होमोजेनियस सॉल्यूशन मिल जाता है, बन जाता है। तो जिसमें सॉल्यूट तो सॉलिड होता है क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉल्ट की जगह मैं शुगर भी रख सकती थी। तो देखिए जो थर्ड टाइप है वो है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट में क्या होगा सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, गैस सॉल्यूट में क्या होगा वही गैस लिक्विड एंड सॉलिड। इसके एग्जांपल ये रहे और मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। अगर हम बात करें जिसके अंदर सॉल्यूट तो क्या होता है गैस और सॉल्वेंट क्या होता है सॉलिड, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, मतलब मेटल के ऊपर आसपास चारों ओर एड्सॉर्प्शन हो जाना इसका गैस का, जैसे कि पैलेडियम के ऊपर, पैलेडियम एक मेटल है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है पूरी की पूरी आसपास जो है एड्सॉर्ब हो जाती है। देखिए आपको जो एड्सॉर्प्शन का मतलब है एड्सॉर्प्शन नॉट एब्सॉर्प्शन, ए बी नहीं है यहाँ पर ए डी है, तो एड्सॉर्प्शन यहाँ पर क्या है ए डी, ए डी है, एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन का मतलब आपकी जैसे आगे जब हम लेक्चर पढ़ेंगे, आगे जब चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर उसके अंदर एड्सॉर्प्शन आपको ढंग से और एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का मैं अंतर बताऊंगी इसके अंदर जो चैप्टर आगे आएगा, बट मैं आपको अभी के लिए इतना समझाती हूँ कि एड्सॉर्प्शन का मतलब ये होता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में बता रही थी आपको कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल क्या होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर अगर गैस आकर सराउंड कर ले उसको, उसके आसपास उसके सरफेस पर बैठ जाए क्या गैस, उसे हम पोजीशन को क्या बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ये पूरा इसके अंदर नहीं घुल रही है लेकिन ये क्या है सिर्फ इसके सरफेस पर जो है
सराउंड है, जिसे हम पोजीशन को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। यानी ये एक टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है जब गैस जो है सॉलिड के सिर्फ सरफेस पर जो है बिल्कुल फैल जाए, सराउंड कर ले उसे, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इन विच सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड। ठीक है, सेकंड जो हमारा है वो है टाइप जब सॉल्यूट लिक्विड हो लेकिन सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड। तो इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल है मरकरी इन कॉपर। आपको पता है मरकरी जो होता है एक ऐसा एक्सेप्शन है मेटल का जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, और कॉपर तो सॉलिड स्टेट में ही होता है। तो इसके अंदर मरकरी जो है कई बार कॉपर में पाया जाता है, होता है ऐसा जब कॉपर के अंदर मरकरी जो है ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कॉपर के अंदर मरकरी होता है। तो मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है, कॉपर होता है सॉलिड में, और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, है ना। नेक्स्ट टाइप की बात करूं, जब सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉलिड भी सॉलिड, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका एलॉय। हाँ, एलॉय भी एक सॉल्यूशन है। ये काफी बार जो है आपकी नीट में बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एलॉय। एलॉय इज द सॉल्यूशन। ठीक है, एलॉय को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होते। ठीक है, तो एलॉय भी जो है सॉल्यूशन होता है, और एलॉय भी जो है दो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड से मिलकर बना होता है, जैसे कि जिंक मान लो, कॉपर मान लो, और दो ही नहीं, दो तीन चार कितने ही इसके अंदर जो है मिले हुए होते हैं कंपोनेंट, लेकिन सारे के सारे सॉलिड होते हैं। तो जिसके अंदर सॉलिड जो सॉल्यूट हो वो भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट जो हो वो भी सॉलिड हो, तो ये सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है वो है अलॉय। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया जिंक या फिर कॉपर का। तो हम लोगों ने आज ये सारा पढ़ लिया है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए, उसके कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जान लिया, और हम लोगों ने जान लिए टाइप जो होते हैं, जैसे कि नो टाइप होते हैं जिसके अंदर गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और सॉलिड सॉल्यूशन के भी होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली है। एक नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वैसे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, पर थोड़ा सा जो है मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देती हूँ। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सॉल्यूट कितना, सॉल्यूट की कितनी क्षमता है, सॉल्यूट की कितनी पावर है, सॉल्यूट कितना जो है डिसॉल्व हो सकता है किसमें, सॉल्वेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी मींस कि सॉल्यूट की कितनी क्षमता है, कितनी उसके अंदर पावर है, वो कितना मतलब लिमिट तक, कितनी लिमिट तक जो है सॉल्वेंट में घुल सकता है। द लिमिट ऑफ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी लिमिट है सॉल्यूट की, कितनी लिमिट है कि वो सॉल्वेंट में घुल सके। ठीक है, उस पावर को, उस जो लिमिट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का मैं लेक्चर यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज सारी चीजें समझ में आई हो। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए, तो मैं आपको बता दूंगी। और आज के लिए थैंक यू सो मच।